नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल वाजपेयी है। आज हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ के दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है एक हेक्सागोनल पिरामिड जिसका जो बेस है उसके एक साइड की लंबाई 30 mm और उसकी हाइट जो है 75 mm है। ठीक है, इसका जो एज है वो एच पी में रखा हुआ है और इसका जो एक्सिस है वो वी पी के पैरेलल है तथा एच पी के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। इस केस में हमें इसके प्रोजेक्शन दर्शाने हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने इसके क्वेश्चन जो है जो मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन कराए हैं ऑनलाइन क्लासेस में उससे अलग है, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था कि आपका जो जो साइड होती थी, इसमें एक्सिस की बात की, वहाँ साइड होती थी, जो बेस की साइड है वो या तो दूसरे प्लेन पर परपेंडिकुलर है, पैरेलल है या इंक्लाइंड है। यहाँ पे क्या है, यहाँ इन्होंने बात की है एक्सिस की, जो एक्सिस है वो एच पी से एंगल बना रही है, इसलिए जो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरे साथ आप आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा किस तरह मैंने सॉल्व किया है। सबसे पहले हम लोग एक लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगी 2H कंटिन्यूस थिन लाइन को। इसको हम 2H पेंसिल से बना देंगे, लिख देंगे एक्स वाई लाइन, यहाँ पर एक्स वाई वी पी एच पी। चूंकि हेक्सागोनल पिरामिड है, रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड है, इसकी भुजा की लंबाई 30 mm है, तो हम अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पहले इसका टू शेप बनाएंगे। जो आपको याद रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए, जहाँ पर एक्सिस इंक्लाइंड दी गई हो, तो आप पहले क्या करेंगे, जो उस ऑब्जेक्ट का जिससे उसके एक्सिस इंक्लाइंड है उस प्लेन में क्या करेंगे, सॉलिड का ट्रू शेप बनाएंगे, उसका ट्रू हाइट बनाएंगे, उसका आप एक्सिस को जो है टिल्ट कर देंगे डिजायर्ड एंगल पर। ठीक है, कैसे करेंगे आप देखिए। सबसे पहले हमने उसका टू शेप बनाने जा रहे हैं एच पी में, जो रिप्रेजेंट करेगा टॉप व्यू। तो हमने इसका ट्रू शेप बना लिया। अब लगे हाथों हम इसका जो है यहाँ पर इसकी लेंथ और दिखा देते हैं। ठीक है, अभी क्या डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जिनमें कुछ लिखा नहीं, तो आसानी से आप हम इसको दिखा सकते हैं। को रिप्रेजेंट करेगा 30 mm। ठीक है, हर पॉइंट का हम नाम दे देते हैं यहाँ पर। ए बी थोड़ा ऊपर देंगे जिससे पोजीशन लेने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें पोजीशन लेने पड़ेंगे इसके, इसका हमें लेना प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा ना हमें, टिल्ट करेंगे तो थोड़ा सा इसे ऊपर ले जिससे हॉच पॉच ना हो। ड्राइंग आपकी जितनी नीट एंड क्लीन बनेगी उतने आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, बात ध्यान रखिएगा। डी इस तरह से नाम लिख लिया। अब हम यहाँ से अभी हमने ऊपर वाले बेस के लाइन लिखे हैं, मतलब ऊपर वाला जो तल था उसके हमने नामांकन किया। अब नीचे वाले तल के नामांकन भी हम लोग कर देते हैं। ए के सामने वाला हम मान लेते हैं, जो नीचे रहेगा उसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये यहाँ पर आपको हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर पॉइंट से डाल देते हैं एक्स वाई लाइन का प्रोजेक्शन।
बिल्कुल एग्जैक्ट पोजिशन डालना है आपको, क्योंकि इसमें छह भुजाएं हैं, सिमेट्रिक फिगर है, इसलिए कि सेंटर लाइन इसकी बीच से होकर जाएगी। इसकी सेंटर लाइन है बी टू और फाइव ई या ई फाइव से होकर जाएगी, ठीक है। हम लोग करेंगे यहाँ से इसकी हाइट जो है कितनी दी गई, हाइट इसकी दी गई है 70 mm एक्सिस की, तो हम 75 mm की लेंथ यहाँ शो कर देते हैं। हम इसकी ट्रू हाइट बना देंगे। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, पहला स्टेप ट्रू बेस बनाना, फिर ट्रू हाइट बनाना। तो हम ट्रू हाइट इसका दिखा देते हैं सब्जेक्ट का, बिल्कुल एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करनी है आपको। ये लीजिए मैंने ट्रू हाइट इसकी बना दी, इसका नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे। ए ऊपर वाला पहले प्लान दिखाएंगे, ए डैश हो जाएगा, बी डैश भी होगा और आपका ई डैश भी होगा, बी डैश कॉमा ई डैश, देन सी डैश कॉमा डी डैश, यहाँ पे आपका जाएगा ए डैश कॉमा एफ डैश। इसी तरह हम नीचे वाले बेस, नीचे वाला तल था उसका भी नाम हम लिख देंगे, ठीक है भैया। यहाँ पे आपका आएगा वन, ठीक कर दे लीजिए हमने ये नीचे वाले तल के भी नाम सारे लिख लिए। अब हम उन्होंने बोला है कि एक्सिस जो है 45 डिग्री का कोण बना रही है, अब हमारा मेन काम यहाँ से उन्होंने बोला है कि जो एक्सिस है वो 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो हमें हमें यहाँ पे करना क्या है, हम चूँकि एक्सिस के रिप्रेजेंट पर दिखाने में प्रॉब्लम आएगी, तो हम कह रहे हैं कि बेस जो बेस है, जो बेस आपका है 1-5 से लेकर 3-4, इसको हम घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, हमें 90 में से एक्सिस जिस कोण पर घूम रही थी उस कोण को हम घुमा देंगे, मतलब उससे 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बचे हुआ जो वैल्यू होगी वो आपकी बेस की हो जाएगी। तो 90 - 45, ठीक है, 90 - यहाँ पे आप जब 45 करेंगे तो संयोग से आपका वो बेस का कोण भी 45 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कोण डालेंगे यहाँ से, इसकी वैल्यू होगी 45 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब देखिए जैसा आपको उन्होंने बताया, आप क्या करेंगे 90 में से आप बेस को अगर आप घुमाना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, 90 में से आप वो कोण घटाएंगे जिस कोण से एक्सिस दूसरे तल से झुकी हुई है, ठीक है। तो आपका यहाँ सौभाग से 45 ही बच रहा है, 90 - 45 = 45, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम इस पर एक एक करके दूरी आप डाल देना सारी, पहले हम करेंगे 3-4 से लेकर 2-5 वाला दूरी लेंगे कंपास में, सेंटर ये रखेंगे और यहाँ पर आर्क लगा देंगे, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा ये वाला पॉइंट 2-5, और फिर आप 1-5 वाला पॉइंट यहाँ से क्या करेंगे, ये फिर दूरी लेंगे 2-5 लेके 1-5 और यहाँ पे आप आर्क लगा, ठीक है। और आप हर पॉइंट से 90 डिग्री का, जैसे आपको ये पॉइंट मिल गए हैं इसका आप नाम दे दीजिए, ये आपका हो जाएगा 1-5, आप चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं, मैंने वही नाम ले लिया, इट्स अप टू यू, 2-5,
देंगे 3 डैश कॉमा 4 डैश। अब हर कॉर्नर से क्या करेंगे आप, हर कॉर्नर पर रखेंगे 90 डिग्री पे एक लाइन आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करते चले जाएंगे 90 डिग्री पे। ये हमने हर पॉइंट से हमने प्रोजेक्शन डाल दी 90 डिग्री पे। अब हम इसको बेस को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इनके नाम भी हम दे देंगे ए डैश एफ डैश ये जब हमने सारे पॉइंट्स के नाम लिख दिए हैं, अब हम करेंगे हर पॉइंट से नीचे की तरफ डाउनवर्ड वर्टिकल प्रोजेक्शन डाल देंगे ये आपका, तो उससे हमें डिजायर्ड टॉप व्यू मिल जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री पे सारे प्रोजेक्शन होंगे, ध्यान रखिएगा। इस तरह हम टॉप के भी डाल देंगे प्रोजेक्शन। लीजिए हमने हर पॉइंट से टॉप से भी पोजीशन डाल दिए। हम यहाँ से जो है ट्रू जो आपका बेस का ट्रू शेप था वहाँ से भी हम राइट साइड में पोजीशन डाल देंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ बताना भूल गया, ये आपको क्या करना है, यहाँ से उसको जो है सेंटर वाली जिसकी लाइन थी उसको आप आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, एक्स वाई लाइन तक। और ये आपका जो कोण होगा ये वाला, ये भी आपका 45 डिग्री का होगा, इज आल्सो ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो एक तरह आप देख सकते हैं, आपको पता है जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये 45 ये 45 रिमेनिंग आपका 90 बचेगा, आपका तीनों कोणों का योग आपका 180 हो जाएगा। इस तरह से आपने दिखा दिया कि एक्सिस आपकी कुछ, अब इसमें आप देख सकते हैं प्रश्न के अनुसार आपकी एक्सिस जो है 45 डिग्री पर है। आप करेंगे हर पॉइंट के कॉमन पॉइंट जो है जो आपने टॉप व्यू से प्रोजेक्शन डाले हैं और आपने ट्रू बेस से जो टॉप व्यू का बेस था आपका ट्रू शेप था, टॉप व्यू का आपका जो ट्रू शेप था वहाँ से आपने जो क्वेश्चन डाले हैं कॉमन पॉइंट उस पर आप लोकेट कर लेंगे, ठीक है, उसको आप जोड़ लेंगे। पहले हम बेस वाले के लिए कर रहे हैं, आपका वन वाला हो गया जो 1 2 3 4 फाइव सिक्स, इसी प्रकार अब हम ये जो टॉप साइड है टॉप साइड का भी हम जो है वीडियो क्या करेंगे इसको टॉप जो टॉप साइड का आपका जो बेस टॉप साइड टॉप बेस है इसको भी आप नीचे लोकेट कर देंगे टॉप व्यू में, ठीक है। और ए बी सी डी ई एंड दिस इज योर एफ, सारे पॉइंट को आपको क्या करना है मिला देना है, ठीक है। अब आपको देखना होगा जब टॉप जब आप देखेंगे टॉप से तो आपको ये वाला साइड दिखाई देगा पूरा, ठीक है, और ये वाली भुजा आपकी विजिबल होगी, बाकी आपकी जो जो भुजा ये वाली साइड है अंदर की ओर रहेगी, आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। ये आपको दिखाई देगा, आप ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा और ये आपका अंदर की तरफ रहेगा आपका, ठीक है।
जो आपका टॉप से दिखाई देगा उसको हम क्या करेंगे, इनका मैं नाम भी दे देते हैं जिससे आपको ज्वाइन करने में आसानी रहेगी। 1 2 दिस इज 3 4 5 6। ठीक है, पहले हम इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब हमें ऊपर से देखेंगे, ऊपर वाली है पूरी जो भुजा है ये दिखाई देगी, टॉप व्यू में वाला पूरा साइड दिखाई देगा ऊपर। आपको एक आपको पूरा पूरा आपको दिखाना पड़ेगा ऊपर वाला फेस आपको। आप साइड वाले ये जो लाइन है इनको भी आप मिला देंगे, इनको भी आप मिला दिए। ठीक है, ये तो आपको ऊपर से दिखेगा देखने पर, और ये जो ये वाला जो बेस है आपका, ठीक है, ये आपका अंदर की तरफ जो रहेंगे उनको भी आप दिखा दीजिए, उनको आप लाइट लाइन से दिखाइएगा, डॉटेड लाइन से, हिडन लाइन जो हिडन एज होंगे उनको भी हमें दिखाना है। एक आपका ये जितने भी आपके हिडन एज थे, हिडन एज को हम आपको पता है, हिडन एज के लिए हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन यूज़ करते हैं, डॉटेड लाइन के थ्रू हम उन्हें दिखा देंगे। ठीक है, लीजिए हमने सारे क्वेश्चंस को जो है हमने सारे जो कॉर्नर थे उनको हमने मिला दिया है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इस तरह से आपका दिखाई देगा। ठीक है, अब साथ साथ हम इनको ऊपर वाले पॉइंट को यहाँ नाम लिख भी देते हैं इनके, ये आपका ए हो जाएगा, बी सी डी ई एफ। आपकी अंदर वाली जो लाइन है जो आपकी दिखेंगी नहीं, अंदर वाले जो जो आपका जो एज होगा जो आपको दिखाई, बेस का जो एज है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा ऊपर से, उसको आप डॉटेड लाइन के थ्रू आपने दिखा दिया। ध्यान रखिएगा जो इसमें आपने डैश लाइन यूज़ की है उसके सारे डैश बराबर हैं। ठीक है, डैश का साइज बराबर रहेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, जितना बड़ा ए डैश उतना बड़ा ए डैश रहेगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।